तो ब्रेक के बाद स्वागत है और फिर से एक बार आपको गुड मॉर्निंग और शुभ दिन। बात करते हैं बाजार की और 6-6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने चुन लिए हैं न्यूज के आधार पे, और दूसरे दो स्टॉक्स भी हम लोग बारी बारी ले लेंगे आशीष, है ना, क्योंकि अभी प्रोड्यूसर साहब को और एक मैंने बढ़िया स्टॉक दिया है, एंड तक ढूंढते ही रहते हैं, कोशिश करते हैं सबसे बढ़िया स्टॉक्स मिले। तो वो ब्रेकफास्ट करने चले गए थे तो मिस हो गया उनसे, प्रोड्यूसर साहब से, और लेट भी आते हैं हमारे प्रोड्यूसर, हाँ, बहुत गड़बड़ ध्यान नहीं देते शो को। तो दो स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे मेरी तरफ से वो टाटा ग्रुप की कंपनी। सबसे पहले टाटा स्टील, इनका जो अपडेट आया है जहां इंडिया का बहुत अच्छा डेटा पॉइंट आया है, डोमेस्टिक ऑपरेशन में इंडियन प्रोडक्शन वॉल्यूम लगभग 2% से बढ़ के 5.1 मिलियन टन आया है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस माना जाएगा। और इंडिया डिलीवरी वॉल्यूम भी अगर आप देखें तो जो सेल्स हुई है वो 18% बढ़ी है, तो काफ़ी अच्छी डिस्टॉकिंग आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है Q1 में टाटा स्टील की तरफ से। हालांकि यूरोप का प्रोडक्शन 25% गिरा है और यूरोप का वॉल्यूम जो है वो भी 8% गिरा है। यूरोप दिक्कत में है सभी को पता है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ठीक ही ठाक प्रदर्शन रहा है। शुरुआती दबाव में रह सकता है स्टॉक, लेकिन लोअर लेवल्स पे यहाँ आपको बाइंग आती हुई दिखाई देती है एवरी डे। तो टाटा स्टील ये एक स्टॉक ग्रीन लेके चल रहा हूँ, इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस और ये दूसरा स्टॉक है जो फोकस में रखना चाहिए।